नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार, एके इलेक्ट्रिकल न्यू हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं टाइमर को कैसे चेक करते हैं। डबल डोर फ्रिज में जो टाइमर लगे रहता है तो कभी कभी आइस आ जाते हैं और कभी कभी हीटर चालू नहीं होते हैं, कभी कभी कंप्रेसर चालू ही रह जाते हैं, हीटर चालू नहीं होते हैं, टाइमर चेंज नहीं करता है, कभी टाइमर स्टार्ट भी नहीं करता है। तो टाइमर में कैसा सिस्टम काम करता है वो हम आपको बतला देते हैं। ये टाइमर है मेरे पास, दो टाइमर है, ये वाला ख़राब है, एक तो सही है। इसमें क्या हो रहा है कि चेंज नहीं होता है, ये वाला टाइमर जो है सही है। इसका पॉइंट बतला देते हैं, इसका एक नंबर पॉइंट है, तो सबसे इधर वाला जो है लास्ट वाला, ये दो नंबर है, बीच वाले जो है तीन नंबर है, इस साइड वाले चार नंबर। एक नंबर जो पॉइंट है इसमें एक न्यूट्रल दे देते हैं, तीन नंबर जो बीच वाले पॉइंट है इसमें लाइन दे देंगे, और कंप्रेसर का जो आउटपुट होता है वो चार नंबर से होता है, हीटर का जो आउटपुट है वो दो नंबर से होता है। और इसमें जो लाइन देते हैं हम सीरीज लाइन दे करके आपको दिखला देते हैं, ये जो फेज वाला है, फेज वाले को हम तीन नंबर में दे दिए, तो न्यूट्रल वाले को एक नंबर दे देते हैं। जैसे कि आप ड्राइंग में देख रहे हैं, एक बार देख लीजिए, अब इसमें लाइन दे रहे हैं हम टाइमर में। टाइमर में एक मोटर रहती है, छूने से आपको पता चलेगा, हल्का सा हनिंग आएगा इसमें, मोटर में चल रही है टाइमर मेरा। देखिए बीच वाले में मेरा फेज आ रही है, और ये साइड वाले जो है चार नंबर, इसमें भी आ रही है, मतलब कंप्रेसर को चार नंबर पॉइंट पे आउटपुट दे रही है। अभी दोस्तों टाइमर क्या करता है, 8 घंटे के बाद ये हीटर मोड में जाता है। तो हीटर मोड में जाने के लिए 8 घंटे हम यहाँ से डायरेक्ट जो रेगुलेटर है इसको घुमा करके 8 घंटे पूरे करा देते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि हीटर मोड में जा रही है या नहीं। देखिएगा दोस्तों, इसको घुमाएंगे, एक लास्ट में जाकर एक कट से करेगा आवाज़। या कट से आवाज़, यानी टाइमर चेंज कर दिया, हीटर मोड में कर दिए, और फिर इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी ये वाला बीच में लाइन आ रहा है, और ये अभी कंप्रेसर मोड में ही है, मैंने चेंज नहीं किया। ये टाइमर ख़राब है दोस्तों, मेरे पास हमको लगा है सही टाइमर है, पर ये भी टाइमर ख़राब है, तो हीटिंग में आ जाता है, यहाँ पर लाइन आ जाता। ठीक है दोस्तों, ये वाला टाइमर तो ख़राब है, हम दूसरे में बताएंगे आपको। 8 घंटे के बाद इसमें लाइन आ जाता है, और यहाँ से आउटपुट देना बंद हो जाता है, इसमें आउटपुट आ जाता है। ये वाला आउटपुट क्या होता है, 12 मिनट तक आप इस टाइमर को चालू करके देखिए, फिर रिटर्न इसमें आ जाएगा लाइन, तो टाइमर ठीक है, नहीं तो टाइमर ख़राब है। फिर आप टाइमर चेंज कर दीजिए, फ्रिज चलने लगेगा, आइस आना बंद हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।